चाहे हम नी ले सकूं चाहे तुम नी ले सको मगर यो दुनी में मगर यो दुनी में नमस्कार उत्तराखंड, मैं छो कोनी पाठक और स्वागत छो आप सबू मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करूँ गिरदा। गिरदा यानी कि जन कवि गिरीश चंद्र तिवारी जी। उसे तो गिरदा के पछाड़ने की जरूरत नहीं है, पर हिटो आज हम अनोख दृष्टि वाल जन कवि जीवन पर बात करूँ। चाहे वो गीत हो, कविता हो, नाटक हो, लेखन, पत्रकारिता, गायन, संगीत, निर्देशन या फिर अभिनय, संस्कृति है बे जुड़ी कोयले यस आयाम ने है जो गिरदा है बे छुटी रो। 9 सितंबर 1945 सक दिन अलमाड़क जोली हवलबाग में रूनीवल हंसादत्त तिवारी और जीवंती तिवारी के घर में जन्मी गिरदाल कुमाऊनी और हिंदी कविताओं दगड़ी दगड़ी लोक संस्कृति क्षेत्र में अपन एक अलग पहचान बने। गिरदा जीवन भर जन संघर्षों है भी जुड़ी रही और आज ले उनर कविताओं में जन पीड़ा रंग छलकू। किले की परिवार एक आर्थिक स्थिति ठीक ठाक छी तो यह वील इस बावजूद गिरदा के पढ़ाई लीजिए अलमाड़ भेजो और वहाँ उस सिद्ध कक्षा 6 में भर्ती भई। कक्षा 7-8 में उचारु चंद्र पांडे जी के संपर्क में आई जिनूल गिरदा के स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने लीजिए प्रोत्साहित करो। राजकीय इंटर कॉलेज अलमाड़ बटी हाई स्कूल और इंटर एसडेल स्कूल नैनीताल बटी इंटर करनक बाद गिरदा सन 1964 में लखनऊ आई। और लखनऊ उने बाद गिरदाल गीत और नाटक प्रभाग आकाशवाणी में नौकरी करी और उनर संघर्ष ये बटी शुरू हगो छी। वी बाद नैनीताल उने बाद उ बिजेंद्र लाल शाह जूथे मिली जिनू है बे उनूल 800 है बे ज्यादा धुन और शब्द सीखी। आजीविका चलूने लीजी उनूल कलर्क है बेली बे वर्क चार्ज तक की नौकरी करी। वीक बाद उनूल अनेक नाटक लिखी जिनू में अंधायुग, अंधेरी नगरी, भारत दूरदशा, नंगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ जस अनेक नाटक मुख्य छन। एक दगड़ी दगड़ी उनूल अनेक कुमाऊनी और हिंदी रचना लिखी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गिरदाल कान में लाउडस्पीकर उठा और वो चलत फिरत रेडियो बन गया थी। उनूल हिंदी, उर्दू, कुमाऊनी और गढ़वाली कविताओं और गीतों की रिकॉर्डिंग करी। उनर द्वारा गाई गई और लिखी गई हुई आज ने गाँव गाँव में गाई जानी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गिरदाल अनेक रचना लिखी। जुलाई 2007 में वो डॉक्टर शेखर पाठक जी और गढ़ रत्न नरेंद्र नेगी जी दगड़ी उत्तराखंड सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका UANA गई जहाँ उनर और नरेंद्र नेगी जी की जुगलबंदी काफी चर्चित रहे। उन्होंने अनेक रचना लिखी। गैरसैन रैली में यसे अनेक छंद लिखी जिन्हों में एक छी कसहोलो उत्तराखंड का होली राजधानी जो कि बहुत ही प्रचलित भाव। हिमालय के बचूने लीजिए गिरदाल दिल के छुनी वाल एक कविता लिखी जो छू
आज ही वाले तुमन के थक्यूं छो जागो जागो हो म्यारा लाल निकरण दियो हमारी लीलामी निकरण दियो हमारो हलाल आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें कि जागो जागो मेरे लाल कि मत करने दो अब नीलाम मुझे मत होने दो मेरा हलाल तो ढूंढ बेचो। और यस लेकर जा के प्रदेशक मूर्धन्य संस्कृतिक कर्मी स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल साहजू जिन्हों है बे गिरदाल बहुत कुछ सीख ले राखी उनूल गिरदाग बार में यो कहो कि मेरी विरासत का वारिश गिरदा है। और गिरदा लीजिए यो बहुत ही ठूल उपलब्धि छी। देश विदेश में अपन एक अलग पहचान बनने के बाद 22 अगस्त 2010 के दिन राति हल्द्वानी में गिरदा पंच तत्व में विलीन है गया छी। कही जा कि वो लंबे समय बे बीमार छी। आज गिरदा भौतिक रूप में हमर बीच नहतिन पर उनर संघर्ष उनर बात उनर गीत उनर कविता और लोक नाटकों में उठाई गई मुद्द आज ले उनके हमर बीच जीवित धरनी। तो है तो देखनु गिरदा की रचनाओं एक छोटी सी झलक। जो हिमालय छू जो हिमालय कहाँ पर कहाँ जाने छू तो बात में गले हमले जरा सा हमारे बुजुर्ग न लग गए तो बात हमले कोशिश करी कि हम नंदन जरा तो बात इनका पूछू तो ताली ताली ताराई कूनी सूखी नदियां एक तरफ हो तुम और एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम अजी वाह क्या बात तुम्हारी तुम तो पानी के व्यापारी गजब हो गया पानी का व्यापार चलने लग गया है। देखिए आप अजी वाह क्या सुरा का करते शराब का करते ही थे सभी चीजों का करते थे व्यापार पानी का भी चल रहा है।